बगहा पुलिस जिले के ठकराहा प्रखंड स्थित जगीरहा घाट पर पीपा पुल का अप्रोच पथ नदी में विलीन हो गया है, जिसके कारण पीपा पुल से पूर्ण रूप से आवागमन ठप हो गया है। ऐसे में किसानों को दियारा में कृषि यंत्र को नदी पार ले जाने हेतु जान जोखिम में डालकर नाव का सहारा लेना पड़ता है। बताते चले कि साइकिल व दोपहिया वाहन चालक भी और पैदल यात्री भी जान हथेली पर लेकर नाव से ही गंडक को पार करने को मजबूर है। किसानों ने बताया कि पीपा पुल लगाने में ही 45 दिनों का विलम्ब हुआ है। पीपा पुल लगाने के दौरान यदि विभाग की ओर से अप्रोच पथ ऊंचा कर दिया जाता तो मामूली जल वृद्धि से पीपा पुल का अप्रोच पथ प्रभावित नहीं होता। इस बाबत धन की रोपाई तक पीपा पुल से आवागमन सुचारू रूप से जारी रहता, लेकिन कहीं न कहीं विभागीय उदासीनता के कारण किसानों व राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही विभाग के वरीय अभियंता आरएम सिंह ने बताया कि जल स्तर में वृद्धि होने के कारण एक सप्ताह पूर्व ही अप्रोच पथ ध्वस्त हो गया और जो शुक्रवार को तेज धार के साथ बह गया। इस नदी में काम करना संभव नहीं है, इस पर पीपा पुल खोला जा रहा है। ज्ञात हो कि पीपा पुल का 15 दिसंबर से 15 जून तक हर हाल में पीपा पुल को सुचारू रूप से काम कर लेना चाहिए, जिससे दियारा में कृषि कार्य में कोई भी परेशानी ना हो, किंतु विभागीय उदासीनता के कारण समय से पूर्व ही भेंट चढ़ गया और समय से पूर्व ही पुल ध्वस्त हो गया, जिससे धान की बुआई को लेकर ग्रामीण व किसानों में आक्रोश व्याप्त है और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पुल निगम विभाग मूक दर्शक बना तमाशा देख रहा है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ठकराहा प्रखंड के जगीरहा क्षेत्र है। यहाँ पे आपको बता दें कि नदी के दूसरे तरफ 3 पंचायत से 4 पंचायत का क्षेत्र पड़ता है, जिसकी क्षेत्रफल हजारों एकड़ में है और साथ ही यहाँ जो भी जमीन है वो कृषि योग्य है। और यहाँ की स्थिति ये है कि नदी के इस गंडक नदी के कहर से, जहाँ पे नदी के हम बीचों बीच में इस वक्त खड़े हैं, कुछ सूखा क्षेत्र है। यहाँ पे एक कृषि उपयोग के लिए, कृषि कार्य के लिए रास्ता बनाया गया, जिसका पीपा पुल पेंटूल के माध्यम से रास्ता बनाया जाता है। हर वर्ष 4 महीने के लिए, लगभग 5 महीने के लिए यह पुल का निर्माण किया जाता है, ताकि जो है यहाँ के कृषक किसान जो है अपनी खेती गृहस्थी आसानी से कर सके। आपको बताना चाहता हूँ क्या कि जो आप ये नदी देख रहे हैं, जो अभी आपकी क्षेत्रीय है और मिट्टी दिख रही है, बालू दिख रहा है, यहाँ नदी का एकदम मध्य भाग है और यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन समय के हिसाब से पानी कम होने के बाद यहाँ पे पेंटूल पुल का निर्माण किया जाता है, ताकि कृषि कार्य हेतु कृषि यंत्र सामग्री बीज और किसान आसानी से इस नदी को पार करके अपनी खेती गृहस्थी कर सके। जिस पेंटूल पुल का लगने का जो समय होता है वह 15 दिसंबर से 15 जून के बीच का होता है। उसके बाद नदी का जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि नाव के सिवाय यहाँ पे और कोई संभावनाएं नहीं होती हैं। आपको बता दें कि ये जो आप पेंटूल पुल देख रहे हैं, आइए थोड़ा सा, ये जो आप पेंटूल पुल देख रहे हैं, अभी आज के डेट में आज 22 मई है और 22 मई के समय में ही नदी का जलस्तर नाम मात्र का बढ़ा हुआ है। आपके सामने है क्योंकि मैं नदी के बीचों बीच में खड़ा हूँ, और जल स्तर बढ़ने से ही ये पेंटूल पुल क्षतिग्रस्त हो गया और टूट गया है, जिस वजह से अभी तक दियरा के क्षेत्र में, नदी के उस पार वाले क्षेत्र में, किसी भी तरह से कोई भी कृषि यंत्र या बीज पहुंचाने में किसान असमर्थ हो गए हैं और ये जो पेंटूल पुल आप देख रहे हैं किसी भी तरह से कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। गेहूँ की बुआई के समय में ये जो पेंटूल पुल था 45 दिन लेट से लगाया गया, जिसका लाभ किसान नहीं ले पाए। वही चीज़ आज के डेट में आपको बता दूं कि 15 जून को ये पेंटूल पुल का कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो भी समय होता है इसको लगाने का, उपयोग करने का, ख़त्म होता है, लेकिन उसके पहले ही यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया और बीच में जितना दिन पुल था परेशानियों का सामना हर किसी को करना पड़ा था, कभी कुछ खराब तो कभी रास्ते में दिक्कत। और इस वक्त स्थिति ये हो गई कि यहाँ पे आवागमन पूरी तरह से ठप है, जिससे लगभग 3000 की संख्या वाले एक गांव की आबादी पे बहुत ही बुरा असर पड़ा है। खाने के लिए और दाने दाने के लिए वहाँ के लोग लाले पड़े हैं। आइए यहाँ पे हम स्पष्ट आपको दिखा दें, यह जो पेंटूल पुल है सिर्फ एक नदी पे लगा हुआ है, देखिए किस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और किस तरह से यहाँ की जनताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं इस नदी के कहर से, और इस नदी के वजह से पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे किसी भी जनप्रतिनिधि, विधायक हुए, सांसद हुए या ब्लॉक प्रमुख या मुखिया, कोई भी इस बात को आगे नहीं बढ़ा सकता है, और अगर बढ़ाया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। विभागीय
एग्जीक्यूटिव से अभियंताओं से बात करने पे ये उन लोगों की तरफ से उत्तर मिल रहा है कि नदी में जलस्तर बढ़ा तो मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पे पेंटुल पुल की जो संख्या लगाई गई है मात्र 15 लगाई गई है, जबकि इस नदी पे कम से कम 45 पुलों की संख्या होनी चाहिए, जिसके वजह से ये तबाही का मंजर यहाँ का जनता झेल रही है और इस मार के वजह से भुखमरी का शिकार हो चुकी है। आपको ये स्पष्ट दिख रहा है कि जो भी आप क्षेत्र देख रहे हैं ये पूरा का पूरा नदी के बीचों बीच हम लोग खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी बंदा नहीं है। आपका नाम क्या होगा जान सकते हैं? मेरा नाम रामाधर तिवारी है। तिवारी जी, आप इस क्षेत्र के हैं, ठगरा प्रखंड के हैं जी। क्या आप बता सकते हैं कि आपके जो क्षेत्र है जिसमें ये पीपा पुल लगा हुआ है, पीपा पुल लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेती करना, खेती बाड़ी करना। नेता में जितने भी लोग हैं, लगभग कितने संख्या की आबादी होगी उधर? उधर तो लगभग केवल श्रीनगर पंचायत है, लगभग 7,000 की श्रीनगर पंचायत में 7,000। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है कि यहाँ पे तीन पंचायतों की और संख्याएं हैं, जैसे मोतीपुर का भगवानपुर हो गया, धूम नगर पूरा का पूरा पंचायत हो गया, और यहीं से हरपुर का भी रास्ता जाता है। तो ये 4 पंचायत हो गए। क्या आप बता सकते हैं कि इन पंचायतों की टोटल आबादी कितनी होगी? लगभग 15,000। लगभग 15,000, यानी 15,000 की आबादियों वाला क्षेत्र इस समय नदी के कहर की वजह से बर्बाद पड़ा हुआ है। हाँ। खेती गृहस्थी की सारी संसाधनें रुक गई। क्या आप बता सकते हैं कि इस पुल निर्माण में कितना दिन लगता है, और ये जो जर्जर हुआ है क्या वाकई में समय से पहले जर्जर हुआ है? हाँ, एकदम 15 जून को खुलना था, लेकिन ये आपको चढ़ते मैये में खुल गया। क्या क्या नुकसान हो सकता है आम जनता को और किसानों को इस पुल से? खेती बाड़ी टाइम से नहीं हो पाएगा, कृषि यंत्र नहीं जा पाएगा, खाद बीज नहीं जा पाएगा, और जो श्रीनगर पंचायत है, प्रखंड मुख्यालय, कोई भी काम है प्रखंड मुख्यालय आना पड़ता है, उन लोगों को 100 किलोमीटर पार करके आना पड़ेगा। यानी सिर्फ ये 10-12 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर में तब्दील हो जाएगी 100 किलोमीटर। लेकिन यहाँ की जनप्रतिनिधियों के दिमाग में ये एक जू भी नहीं रेंग रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे किसी को मतलब नहीं है, बस किसी भी प्रतिनिधि को इससे मतलब, इस समस्या से मतलब नहीं, किसी भी प्रतिनिधि को इस समस्या से मतलब नहीं है। जी जी, यह स्पष्ट है, यहाँ की जनता ये मार झेलती रहे लेकिन सब तमाशा देखेंगे। जी जी जी, एकदम धन्यवाद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, धीरज श्रीवास्तव बात कर रहे हैं सर, बगान से, R9 भारत से ब्यूरो। हाँ, कहा जाए। सर, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो ठकराव में जगीरा घाट पे पीपा पुल लगा था। जी जी जी। एक तो विलम्ब से लगा, कम से कम महीने से 1.5 महीने। जी जी जी। और उसके बाद से अभी जो आप लोगों का कार्यकाल 15 जून तक का होता है लगभग, अभी वो पुल क्षतिग्रस्त हो गया, नाम मात्र की पानी की वृद्धि हुई है और पूरा का पूरा पुल डिस्टर्ब हो गया। हाँ, अप्रोच पर 3 फीट पानी है, कल का रिपोर्ट है, लाल बहादुर जी का रिपोर्ट हमको आया है। और आप एक बात बताइए सर कि अभी गेहूँ वो कृषि उपयोग के लिए ही लगाया गया है? गेहूँ के उपयोग में तो आपने दिया नहीं, गेहूँ के समय में तो आपने दिया नहीं, विलम्ब हो गई पानी के कारण, कुछ पानी का सर सर वो है। पानी के लिए ही ना आप लगा रहे हैं, पानी का कारण क्या है? हाँ, जो ये कौन सा, ये कोई एक्सक्यूज तो नहीं हुआ सर कि पानी के कारण, पानी के लिए ही आप लगा रहे हैं? मानसून आ जाता है, प्री मानसून तो आ गया है, और जिस लोकेशन में लगा ना, आप सब तो आप शुरू से जानते हैं, आप तो सर मैं सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं क्या सिर्फ इसीलिए बैठा हूँ कि मैं बस इधर का उधर बात करता रहूंगा? या रिपोर्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए? आप लोग कहते कुछ और है, होता कुछ और है। नहीं नहीं, मैंने पेंट्रोल बढ़ाने की बात हुई थी, पेंट्रोल की कंडीशन समझ में नहीं आ रही है कि क्या होगा यहाँ पे। नहीं नहीं, मैंने एजेंसी को कहा गया है जो पेंट्रोल है उसको ला के उस लोकेशन पर लगाएगा, है ना, यही सब पहुँचेगा। हम सब कोविड में पॉजिटिव हो गए हैं धीरज बाबू, अभी हम माने सर मैं आपकी आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा क्या कि ठकराहा की जो जनता है वो बहुत ही तबाही में है। गेहूं की रोपनी, धान की रोपनी की कहानी ये कैसे संभव है ये बताइए। यही सब पहुंच रहे हैं, कल सब लगवाते हैं, कम से कम कृषि यंत्र तो कम से कम सुचारू हो चालू है ना। आप आपकी बात सत्य, मैं लगवाता हूँ, कल इंदर बहादुर जी पहुँचेंगे। नहीं तो सर इसमें बहुत अच्छी खासी कहानी बन जाएगी और दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक तो शुरू में लापरवाही और अंत में भी लापरवाही है। कैमरामैन रितेश तिवारी के साथ धीरज श्रीवास्तव, R9 भारत, ठक रहा।